स्पेशियस है। नमस्ते मासी। और अरे ऋषि जल्दी आ, तेरे लिए थेपला बना के लाई हूँ, जरा चख के बता तेरी मम्मी से अच्छा बने कि नहीं है? याद है बचपन में मेरे हाथ के थेपले खा के ना उंगलियां चाटा करता था तू? मासी कहाँ हो आप? मासी यहाँ पे भी नहीं है। माँ क्यों नहीं है? मासी ऋषि मासी मासी घर पे कोई है नहीं क्या? ऋषि कहाँ है? अरे कुछ बोलेगी? किधर है सारे? कुछ बोलेगी या दिमाग में अभी टीवी सीरियल का कोई सीन चल रहा है? जब प्रज्ञा और मैं आए थे ना तो बक 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 करके ना दिमाग चाट गई थी, और अब देखो मुंह ऐसे बंद है जैसे मुंह में दही जमा रखी है। अरे भगवान कुछ तो बोल। खाना 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 खाने गए? हाँ खाना खाने गए। वो क्या था ना, ऋषि भैया को मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगा तो खाना खाने बाहर गए। ये ऋषि भी ना कितने नखरे, इसके अब कहीं बाहर आए नई जगह है, थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। हेलो, वो नखरे वाला बिल्कुल नहीं है। हा? वो तो प्रज्ञा का प्यार है, ले गई होगी डिनर के लिए उसको। आई एम श्योर ऐसा ही हुआ होगा, वरना ऋषि ऐसा नहीं है। तू क्या मुझे घूर रही है? सामान अनपैक नहीं करना चल। और अपना अपना सामान टिकाना, मिक्स नहीं करना वरना गड़बड़ हो जाएगी सारी। अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया पर पता तो चल जाएगा ना। हे भगवान, उससे पहले प्रज्ञा दीदी ऋषि भैया को छुड़ा के ले आए। What's up, bro? What's up, bro के बच्चे तो हमेशा रात को ही क्यों आता है यार? हर दिन रात को कुछ चाहिए तेरे को? क्योंकि मेरे को नींद नहीं आती। देखो नींद नहीं आती पर मुझे बहुत नींद आती है। I'm so sorry। तू फोन पे बैठा हुआ है, तुझे बहुत नींद आती है। चलना यार कुछ बात बात करते हैं यार, बोर हो रहा हूँ मैं। तुझे नींद नहीं आ रही है? नहीं मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा, और इस बात पे मेरे को एक शेर आ रहा है दिमाग में। वाह वाह, शेर तो बोलने दे। वाह वाह, चलना बोल दे। तो अर्ज किया है, इरशाद कौन बोलेगा? इरशाद। तो अर्ज किया है, कहते हैं इश्क में नींद उड़ जाती है। वाह वाह, कोई हमसे भी मोहब्बत करने कम वक्त हमें नींद बहुत आती है। नींद बहुत आती है, बड़ा अच्छा शेर। नाइस ना, लेकिन ये सिचुएशनल शेर हो गया। तो क्या करता है तेरा भाई, और खरा क्या मिल रही? सिचुएशन पे गेम खेलो यार, हमेशा सिचुएशन के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे वो दिन हुआ कॉलेज में, प्राची अपना टैक्सी पकड़ के जा रही थी लेकिन तूने उसे रोका, कॉइन फ्लिप की और उसे चूज करने को कहा, और उसने किया भी। तो भाई मेरे को ये बता कि चल क्या रहा है, आई मीन व्हाट वाज दैट? बहुत सिंपल था, देख मैंने उसको पागल बनाता था। देख हम उसको लिफ्ट दे रहे थे ना अच्छी खासी। हाँ। दे रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, बट वो भाव खा रही थी यार। शी वाज वेस्टिंग आवर टाइम। टाइम वेस्ट कर रही थी, भाव खा रही थी। देख मैं समझाता हूँ तेरे को, किसको कंफर्टेबल राइड नहीं चाहिए होती घर पे? हाँ। सबको चाहिए होती है, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने उसको ऑफर भी करी बट शी वाज शोइंग टैंट्रम्स दिखाने लगी हमें, भाव खा रही थी, टाइम वेस्ट कर रही थी। तेरे भाई के दिमाग में एक आइडिया, मैंने बोला ऐसे तो नहीं चलेगा, तो मैं कॉइन लेके गया। मैंने उसको बोला हेड और टेल, मैंने उसको प्रॉमिस तो नहीं किया था ना कि हेड आएगा तो वो जीत जाएगी, ना वो टेल ना उसको टेल में प्रॉमिस किया था कि वो कैब में जाना पड़ेगा। मैंने उसको बोला कि वो हार गई और उसे गाड़ी में आना पड़ेगा, तो उसे मानना पड़ा। सिंपल, दोनों साइड में जीत तेरे भाई की। वाह भाई क्या दिमाग चलाया, क्या पागल बनाया इसको। अब तेरा अगर हो गया हो तो भाई साहब मैं अपना थोड़ा प्राइवेट टाइम एंजॉय कर लूं। क्या ये भाई, मैं यहाँ पे हूँ, ये सब नहीं होने वाला है। तो ये सब छोड़, मेरे को बता ये ऋषि कौन है? तू आज फुल मूड से आया ना, है ना, पूरी लंबी बातें करने के लिए मेरे साथ, पूरी रात जगाएगा मेरे को। हाँ तो ऋषि, ऋषि यार बहुत बोरिंग आदमी है। बहुत ही बेकार किस्म का इंसान है, इंटर्न है, और ना तू नाम देख यार, नाम ऋषि, ऋषि नाम है, किसी जंगल में जाके तपस्या करनी चाहिए, वो ऑफिस में कर रहा है। एग्जैक्टली राइट, ये वही तो लड़का नहीं है जो अभी प्रियंका के साथ इंटर्न आया तेरी ऑफिस में? हाँ वही यार, वो अंकल जैसा दिखता है। अच्छा सुन, एक काम कर, चल हम लोग वॉक लेके चलना है। अच्छा फोन तो, ओ माय गॉड व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आर यू सेल्फ ऑब्सेस्ड, आर यू फ्रीक, व्हाट, कितनी बार अपने आप को शीशे में देखेगी? गेट डन विद इट, अच्छा लग रहा है कोई बुरा नहीं लग रहा है, और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इडिया मैं भी यही चाहती हूँ कि किसी को पता ना चले कि मैं गिर गई थी। यू बेट। अच्छा लिसन, वेल डू यू वांट टू हैव सम फन? हाँ बट मैं बाहर नहीं जा सकती। आई नो तुम्हारी दादी आई हुई है और तुम बाहर नहीं जा सकती,
तुम्हें सिर्फ चेयर से उठ के ऊपर जाना है, वहां पे डिम्पी और शाइना भी वेट कर रहे हैं। पर हो रही है पजामा पार्टी। सीक्रेट पजामा पार्टी? सीक्रेट पजामा पार्टी, यहाँ पे सिर्फ मेरे फ्रेंड्स और मैं। मैंने सोचा तुम्हें भी बुला लेती हूँ, तो तुम्हें आना है। हम ड्रिंक कर रहे हैं। हाँ, किसी को पता चल गया तो? किसी को नहीं पता चलेगा, पजामा पार्टी। यहाँ पे क्या होता है, क्यों होता है और कब होता है, किसी को कुछ नहीं पता चलता। ऐसे करोगे पार्टी? ऐसे नहीं तो कैसे करोगे पार्टी? पजामा पार्टी है, बियर शेयर पीना है, छुपके से करनी है। ऐसे बैठो कि कोई अचानक से आ भी जाए तो बियर छुपा सको। बट छुपाएंगे कहाँ? चल, क्या नहीं छुपा सकते तो खुद छुप जाओ, या फिर काउच के पीछे जाके बैठ जाओ, और एल्स काउच पे बैठ के हाथ पीछे रख लो, या फिर सबसे बेस्ट कैन में से सोडा निकाल कर बियर भर दो। तो अगर कोई अचानक से आ भी गया तो उसे लगेगा कि हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, बट कैन से सोडा निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम पीछे बैठते हैं और अगर कोई आएगा तो उसे हमारे हाथ नहीं देखेंगे, सिर्फ हमारा सर देखेगा अगर दिखा तो। So let's just start over there. And here, you take this. Yeah, thank you. I take this. And let's start. Nice idea. Yeah, Priyanka, तुम्हारी ideas तो बिल्कुल ही एकदम psycho जैसे। I know. Cheers. Come on. Cheers. Hey, Ranveer. लड़कियों की गिगले? वो इस टाइम पे टेरेस है। यहाँ है तो वहाँ पे कौन है? बेर! Wow, bear! Thank you so much. What are you doing? What? We're just having alcohol, bear. वो हमारी बियर है। How cheap, Ria! तो हमारे साथ एक बियर शेयर नहीं कर सकती? She? Exactly. ये हमारी गर्ल्स पार्टी है। We just have only 4 beer cans. और पहले हम तीन लड़कियां थी, देन प्रियंका आल्सो जॉइन्ड अस, तो ये चारों बियर हम चारों लोगों के लिए। यू गाइस आर एक्स्ट्रा। कैसे गरीबों वाली पार्टी कर रहे हो यार, कम ऑन यार। हां, पार्टी में कोई चार बियर लेके आता है? हां, मजदूरी कर रहे हो क्या? चाहिए कि बियर देके लोगों को, और कोई गेस्ट आ गया तो उनको क्या पिलाओगे, पानी? गेस्ट का तो पता नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में डाकू जरूर आए हैं जो हमारी बियर लूटने आए। ए डिम्पी, तू ना जरा रिलैक्स, डोंट फाइट। ओके, लेट्स डू वन थिंग, एक गेम खेलते हैं और जो उसमें जीतेगा तो बियर का कैन मिलेगा। How about that? This game is called One Truth and One Lie. तो basically हमें इसमें दो बातें बोलनी हैं, जिसमें से एक बात सच्ची होगी और एक बात झूठी। तो जिसने वो झूठ पकड़ लिया वो जीत जाएगा और उसे मिलेगी बियर कैन। Okay? एक सेकेंड, I just have one question. हम I think 6 लोग हैं और हम वहाँ पे बियर में को सिर्फ 4 दिखाई दे रही है। तो how will we manage? इसमें सिर्फ जीतते ही नहीं है, हारते भी है। क्या पता बियर की कैन यहीं रखी रह जाए, क्योंकि तुम लोग जीत नहीं पाओगे। Of course, मैं अगर जीते तो ज़्यादा-ज़्यादा 3 लोग, नहीं 4। I don't know, but जीतेगा कौन? मैं। I like your overconfidence. Good. इसी बात पे let's play the game. देखते कौन जीता है और ये बियर किसकी होती। I am very excited. Are you? Get the stool. Yes. Are you excited? Yeah. I'm very excited. Let's Ruth ne khela? Yeah, obviously. Tumne khela? Obviously. Tumne bhi khela, obviously. Sabne khela. To bottle jiski taraf point karegi, wo apni life ka ek sach aur ek jhooth hame batana ho. But before we start, ek cheez yaad rakhna. Apni life ka ek aisa jhooth bolna jo sach jaisa ho, और एक ऐसा सच बोलना जो बिल्कुल झूठ जैसा दिखे, तभी मजा आएगा यार, वरना बोर हो जाएंगे। एंड जो जीता उसको मिलेगी वही जो हम सबको चाहिए, ये पियर अवार्ड। ओके गाइस, लेट्स गो। यही सब सीखने जानते हो कॉलेज? माँ प्यो कुछ बोल दे नहीं, खुली छूट दे के रखी है, फिर भी छुप छुप के पार्टी कर रहे हो। I'll talk to her. दीदा, तू तो मेरे नाल गल ना करी, नहीं तो मैं चपेट लगा दूंगी तेनू। तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ मैं, इससे नाराज हूँ, बड़ा डिसअपॉइंट किया इसने मैनू। यार आर्यन पी रहा है, रिया सब पी रहे हैं। और की
पंजाबियों की नाक कटवा के रखती। तू अच्छी तरह से जानता है कि हम लोग सब कुछ कितना बड़ा करते हैं। खाना ग्रैंड होता है हमारा, पीना ग्रैंड होता है, और इसीलिए हमारे जो वो पटियाला पैग है ना, वो दुनिया भर में मशहूर है। और तू ये डिब्बियों में बियर पे रिया है। Sorry, I'm so sorry to disappoint you, Dida. I love you, Daljeet Dadi. I just love you. हर पार्टी की शान है दादी, चाहे कपड़े हो चाहे ज्वेलरी हो, she's the coolest. I agree, and she's the best actor I've seen. देखो मैं आपके साथ ना beer share कर लूँगा, पर मैं आपको किसी के साथ share नहीं कर सकता। हाँ, मेरा पुत्र, तो मैं भी तुझे किसी के साथ नहीं share करूँगी। और ऐसा नहीं कर रहा है। कुछ नहीं, हम एक बहुत ही प्यारी सी गेम खेल रहे हैं। नहीं तो फिर मैं भी खेलूंगी। Of course, क्यों नहीं? आधी रात को तारीख कितने आई हूँ? हाँ, तो मैं कौन सा टेरिस पर कपड़े सुखाने आई हूँ? हेलो कोई सवाल जवाब नहीं, मैंने सब सुन लिया। I'm on. मतलब आप भी दीदा की तरह little little? अरे नहीं 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 नहीं, मुझे ना ये बियर शियर पटियाला पैग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो बस ये गेम खेलनी है। मजा आएगा है ना? यार तेरे पापा है ना बहुत खराटे मारते हैं, परेशान होकर यहाँ टेरेस पर खुली हवा के मजे लेने आई हूँ मैं। यहाँ आकर देखा तो पार्टी शार्टी हो रही है, मजे हो रहे हैं। वैसे नाम तो कभी नहीं सुना इस गेम का, पर लग बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है ना? ये गेम मुझे बताया है सोनी दादी ने, मतलब सोनी दादी की जो बड़ी बहन थी ना, डैड की दादी, वो दोनों मिलके ये गेम खेलती थी। अब वो नहीं रही, बट जो सोनी दादी बताती है कि वो लोग बहुत मजे करते थे। तो इस गेम का बेस्ट पार्ट ये है कि गेम का गेम हो जाता है और हम एक दूसरे के बारे में जान भी जाते हैं नो। सो लेट्स प्ले। और याद रहे, एक सच और एक झूठ, और सामने वाले को बताना है कौन सा सच है और कौन सा झूठ है। ये तो वही बात हो गई कि जो बातें हमको एक दूसरे को बतानी नहीं हो वो भी हम झूठ झूठ बोल देते हैं एक दूसरे को, है ना? Exactly. लेकिन मैं तो सब सच बताने वाली हूँ आज। अब इसमें तेरी ये बात सच है कि झूठ? Mom, come on. जो सबसे बाद में आई वो सबसे पहले फंस गई। ओके, तो मुझे एक सच बोलना है और एक झूठ, राइट? तो रणबीर, तेरे पापा खराटे नहीं लेते, और ये सब कुछ जो चल रहा है ना, मैं कल सुबह उनको जाकर बताने वाली हूँ। तो बताओ क्या सच है और क्या झूठ? मैं बताती हूँ, मेरा बेटा विक्रम खराटे नहीं लेता। अरे मेरा पुत्र है, अच्छी तरह से जानती हूँ उसे, उसे ये बीमारी है ही नहीं। और दूसरी बात, ये बियर वाली बात, ये जरूर जाके बताने वाली है, क्योंकि इसे भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसके पेट में कोई बात पचती नहीं। मम्मी जी, आपको नहीं बतानी थी ये बात, आप तो हम दोनों को अच्छी तरह से जानती हो। क्या मम्मी जी, हरा दिया ना आपने मुझे। भाई तूने तो बियर नहीं पीनी है, फिर क्यों रो रही है तू? अरे एग्जैक्टली मॉम, अब एक काम करो, बातें कम करो। दलजी दादी, योर टर्न, स्पिन इट। मैं? हाँ ठीक है, ला। रणबीर! बोल पत्तर। ओके, सो मेरी लाइफ में दो ऐसी चीजें। फर्स्ट, आई रियली लव रिया। I mean, मेरे को बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे पसंद करे। और सेकेंड, मेरे ऑफिस में ना एक लड़का है ऋषि, आई एम वेरी जेलस ऑफ। सो इट्स ऑन टू यू गाइस, नाउ यू डिसाइड कि क्या सही है क्या नहीं। ये क्या बोले जा रहा हूँ यार, मैं सोच समझ के बोलना चाहिए था ना। अब मैं बताती हूँ, अब आई थिंक रणबीर तुम ना रिया से जेलस। दूर पिटे मुंह, और मेरा पुत्र लड़कियों से क्यों जलेगा, वो भी रिया से। वो क्या है ना दादी, ये दोनों कॉलेज में इतने पॉपुलर हैं कि कभी कभी लोग रिया को ज्यादा पसंद करते हैं और इसको कम, वो वाली जेलसी। और तुम चाहते हो कि ऋषि तुम्हें पसंद करे। लो कर दो बात रणबीर, इसने तो सच भी बता दिया तेरा और झूठ भी, तू तो हार गया पुत्र। ओके, लेट्स स्पिन इट। थैंक गॉड, हार गया तो हार गया, अच्छा हुआ पकड़ा नहीं गया।
पर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं और वो भी ऋषि से जेलस? आई मीन वो मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रहा है? ओके, तो मेरा एक सच और एक झूठ. ओके, पहला, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, एक रिच लड़की से प्यार करता हूँ. और दूसरा, मैं अपने पेरेंट्स को मिलने जा रहा हूँ लंदन. पहली बात सच है और दूसरी बात झूठ. मतलब तुम्हें किसी रिच लड़की से प्यार है और अपने पेरेंट्स से तुम लंदन मिलने नहीं जा रहे. गलत जवाब. और ये गेम मैं जीता और ये बियर भी मैं जीता. थैंक यू सो मच गाइस. मैं कोई रिच लड़की से प्यार व्यार नहीं करता. बट हाँ, आई एम गोना गो सी माय पेरेंट्स इन लंदन. चीयर्स टू दैट. अब चलो, अब किसकी बारी है? दीदा. मम्मी जी. मैं? Yes. ठीक है, पहली बात तो ये कि मेरा पहला प्यार रणबीर के दादाजी थे. और दूसरी बात ये है कि शादी के बाद मैंने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया. तो रणबीर के दादाजी आपका पहला प्यार थे, राइट? और शादी के बाद आपका किसी पर दिल नहीं आया? एब्सोल्युटली राइट मम्मी जी, आप तो हार गई. तो मतलब पहली बात झूठ और दूसरी बात सच. चलो, who's next now? Okay, Riya. Now you spin. Okay, it's my turn. Come on, Riya. Yeah. Spin! Riya! Come on, Riya. So, mera pehla sach. I mean, such a jhoot. I want to become a supermodel. Aur dusri baat ye hai ki मैं अपनी मॉम को बहुत मिस करती हूँ. तो बताइए क्या सच है क्या झूठ है. मैं बताती हूँ. तू मॉडल बनना चाहती है, ये सबको पता है, मतलब सच है. और दूसरी बात, कौन बच्चा अपने माँ बाप को मिस नहीं करता? तो बेटा तूने झूठ तो बोला ही नहीं. हाँ बच्चा, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है. एक सच और एक झूठ बोलना है. तो तूने तो दोनों सच बातें बोल दी. झूठ तो बोला ही नहीं बच्चे तूने. हाँ रिया, कम ऑन, एक तो झूठ बोलना. नो गाइस, मैं सुपर मॉडल बनना चाहती हूँ, ये सबको पता है. तो ये सच है. और मैं अपनी मॉम को मिस नहीं करती, मैं उन्हें मिस करना भी नहीं चाहती. तो या वो बात झूठ थी. अब चलो, who's next? Okay, okay. First, रणबीर जिसे लाइक नहीं करता है, मैं उसे प्यार करती हूँ. और सेकेंड, मैं उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देना चाहती हूँ. What nonsense, प्रियंका, कुछ भी. हाँ बेटा, कुछ रियल टाइप का बोलो ना, कुछ ऐसा लगे कि हाँ भाई ये सच है और ये झूठ है. तुमने तो दोनों बातें अजीब बोल दी. हाँ पुत्र, इससे तेरे बारे में कुछ भी नहीं पता चलता कि तू कैसी है. चलो भाई, अब बंद करो ये पार्टी शार्टी. इंदर भगवान ने रेड मार दी अपनी पार्टी. ये तो जैसे भगवान बोल रहे हैं कि चलो बस बहुत हो गया, उठो अब घर जाओ वरना बारिश कर दूंगा. चलो लेट्स गो. सच बोलो तो लोग मानते नहीं है, झूठ बोलो तो तुरंत मान जाते हैं. मैंने इन सबको बताया कि मैं क्या प्लान कर रही हूँ, पर किसी ने ट्रस्ट नहीं किया. मैंने चक से झूठ बोला कि ऋषि ने मुझे मोलेस्ट किया, तो मान गए. सच में कलयुग है या मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ? अब प्लीज मेरी शादी ऋषि से करवा दीजिए, आपको ऐसे नेकलेसेस मिलते रहेंगे. तो तुम पागल हो गई हो. मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था पर तुमने रिजेक्ट कर दिया, गिफ्ट भी मुझे भी. तो अब तुम्हें गिफ्ट नहीं, पेन मिलेगा, अनलिमिटेड पेन और अनगिनत दुख. ऋषि,
ऋषि, मैं प्रज्ञा। ऋषि, ऋषि क्या हुआ उसे ऐसे? ऋषि,